हैं आज हम चिल्ड्रंस डे को लेकर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने कोचिंग्स में, प्रीमियर कोचिंग सेंटर में। मैं प्रीमियर कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर पंकज कुमार सिंह आपके सामने रूबरू। मैंने कल फेसबुक लाइव किया था और मेरा जो मकसद था फेसबुक लाइव होने का वो चिल्ड्रंस डे के बारे में बताने का था और चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाना चाहिए, उसको जस्टिफाई क्यों करना चाहिए, मैंने आपसे कल बात की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब वीडियो बनाया जाए ताकि आपको वो सोशल मैसेज पहुंचाया जाए। देखिए चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को आता है और एक दिन की तरह मनकर चला जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि जो हमारी तरह अमीर नहीं होते हैं, जो हमारी तरह साउंड नहीं होते हैं, हमारी तरह मिडिल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, वो गरीब तबके से होते हैं जहां उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती है, कलम नहीं होती है, उनके पास जो साधन होता है पढ़ने का वो नहीं होता है, तो यहाँ तक कि उनके गार्जियंस को रोजी रोटी के लिए सोचना पड़ता है। और यही कारण है कि उनके मन में वो गरीबी का सोच होता है, वो गार्बेज पिक करते हैं, बड़ा अनहाइजीनिक कंडीशंस होता है, और बच्चे को जिस उम्र में पढ़ाई मिलनी चाहिए उस उम्र में वो रोजगार करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स पे या होटल्स में मतलब चाय का ग्लास धोना। हम लोगों ने कई बार देखा है, मैं जब कई रांची के कई गलियों से गुजरता हूँ ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो आज भी चाइल्ड लेबर जो है, जो बाल मजदूरी है, वो पूरी तरह से फैला हुआ है। मैंने आपको कल जैसा बताया था फेसबुक लाइव में कि कैलाश सत्यार्थी जो हमारे इंस्पिरेशन है, हमारे स्रोत है, पूरे भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के, जिन्होंने अपने कैरियर को दांव पर लगाकर बच्चों के लिए काम किया और 32 से 35 सालों के बाद उनको उसका इनाम मिला और शांति के लिए मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ संयुक्त रूप से उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मतलब चिल्ड्रंस डे है उसको जस्टिफिकेशन होना चाहिए, हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे मैंने आज फोटो सेशन किया तो कुछ बच्चों को बुलाकर उन्हें कॉपीज या पेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और मेरा यही सपना है जैसे प्रीमियर कोचिंग सेंटर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो अगले सेशन से लागू होगी, जिसमें कि दो बेटियों में से एक बेटी को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और एक बेटी को का वहन करना होगा गार्जियंस को, यानी एक बेटी के लिए पैसा देना होगा और दो साल के लिए एक बेटी को फ्री ऑफ एडुकेशन, मतलब उससे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेने का, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और ऐसा नहीं कि मैं वादा करूंगा और उस वादे को तोड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी एक बेटी को दो साल के लिए पूरी तरह शिक्षा मुक्त की जाएगी। ये हमारा थोड़ा सा सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूशन है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और जहां तक मैंने आपसे कल वादा किया था बचपन बचाओ के बारे में, तो वो भी चीजें होंगी बचपन बचाओ के दरमियान, जो ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। और यहां तक कि मैंने आपसे वादा किया है कि हर एक साल हम 5 बच्चों को अपने खर्चे पर उसे पूरे साल पढ़ाएंगे और उनके गार्जियन से जाकर बात करेंगे कि उनको पढ़ने का मौका दिया जाए और उन्हें पढ़ाई करने का सुनहरा मौका दिया जाए। क्योंकि यदि आपके पास कलम है तो कलम की ताकत इतनी होती है कि कहा जाता है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। और आपने संस्कृत में वो श्लोक सुना ही है कि माता शत्रु पिता बैरी ये नवालो न पाठिता ते सहन सोहन ते यथा न हंस मध्य बको यथा, यानी वैसे माता पिता मतलब नहीं सोखते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो वो उसी तरह है जैसे कि हंसों के बीच में बंगला है, ठीक उसी तरह है। तो वही है कि हर एक माता पिता को अपने बच्चों को एडुकेट करना चाहिए, और जो गरीब बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं है, आज इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन जो जनसंख्या विस्फोट इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसके पीछे गरीबी का एक सबसे बड़ा रीजन है। गरीब सोचते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो हमारे लिए गरीबी मिट जाएगी, लेकिन बाद में चलकर उनके लिए ही वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और बच्चे को वो शुरू से ही उनके हाथ में बोड़ा और ये सब चीजें देते हैं ताकि वो गार्बेज पिक करें, उन्हें होटल्स पे लगा देते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़े जोरों शोरों पे है, एक बहुत बड़ा इशू है, सोसाइटी कंसर्न्स है, लोगों को 20 रुपए बोतल के भाव में बेचा जाता है। तो हमें सोचना चाहिए, बिंग ए टीचर मैं काफी इमोशनल होता हूं और मैंने अपने लाइफ में डिसाइड किया है कि मैं जहां भी रहूंगा जिस सिचुएशंस में रहूंगा अगर मेरे पास 1 रुपया आएगा तो उसमें से 10 से 20 पैसा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूंगा। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि आप जहां भी रहें, अगर आप इकोनॉमिकली साउंड है, मैं स्टूडेंट सेक्शन से टीचर सेक्शन से, यदि आप अपने प्रोफेशन में डॉक्टर से इंजीनियर से, अगर आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छे साउंड है तो आप बच्चों को एडॉप्ट करें, उन गरीब तबके तक जाएं, उन गरीब मोहल्ले तक जाएं और वहां के गार्जियन से बात करें और इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करें। यदि आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा तो सचमुच समाज बदलेगा।
तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाना चाहा। वो बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को छोड़ा, जो मतलब जो कहा जाता है कि एक आदमी जब अमीर हो जाता है तो वो अय्याशी की जिंदगी जीता है। उन्होंने अय्याशी की जिंदगी छोड़ी और देश के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो हम लोगों को भी सेम वे में चाहिए। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स आपके सामने विचार रखेंगे चाइल्ड लेबर को लेकर या बच्चों को लेकर कि उनके साथ क्या होना चाहिए। तो एक एक करके मैं बुलाऊंगा। सबसे पहले सूरज कुमार आएंगे और वो अपना मत रखेंगे। सूरज कुमार, इट मस्ट बी स्टॉप चाइल्ड लेबर टू कंट्री, कंट्री फील ऑफ फ्री ऑफ द चाइल्ड लेबर। चलिए सही है। तो सूरज कुमार ने कहा कि हम लोगों को मतलब इस देश को बाल मजदूरी से मुक्त करना होगा। अगले जो हमारे विद्यार्थी हैं अरविंद कुमार, वो अपना मत रखेंगे। अरविंद कुमार, सेल्फ हेल्पिंग मस्ट बी स्टॉप। जैसा आपने अरविंद कुमार से सुना, उन्होंने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना चाहिए। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि बच्चों को 20 रुपए और बोतल के भाव में से जाता है, वो उन्हें स्टॉप करना चाहिए। अब आएंगे मनोज कुमार। तो मनोज कुमार अगले विद्यार्थी होंगे जो आपके साथ कुछ थॉट्स रखेंगे। मनोज कुमार, चिल्ड्रन आर द फीचर्स ऑफ द कंट्री। चलिए, इन्होंने बोला कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश, जैसा हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसे डेवलप कंट्री बनाना है तो बच्चों को एडुकेटेड करना बहुत जरूरी है। जयंत कुमार अगले विद्यार्थी जो कि अपना मत रखेंगे। चाइल्ड अब्यूजिंग इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। जैसा जयंत कुमार ने बोला कि जो चाइल्ड अब्यूजिंग है वो हार्मफुल टू द सोसाइटी है, सबसे खतरनाक है। यदि आप चाइल्ड अब्यूजिंग करते हैं, चाहे बच्चे को आप सेक्सुअली अब्यूज करें या उसको हैरेस करें, वो सबसे बड़ी ये चीज है। अब आएंगे नंदू कुमार, वो अपना मत रखेंगे। स्टॉप चाइल्ड लेबर, इट इज हार्मफुल टू द सोसाइटी। नंदू ने कहा कि स्टॉप चाइल्ड लेबर ये सोसाइटी के लिए काफी हार्मफुल है। बिल्कुल सही। अब आएंगे सुजीत कुमार जो कि अपना मत रखेंगे। चाइल्ड शुड बी एडुकेटेड। सुजीत कुमार ने कहा कि चाइल्ड शुड बी एडुकेटेड, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के हाथ में यदि कलम पेन होगा तो वो काफी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आएंगे संदीप रोशन जो कि अपना मत रखेंगे। इन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, हर एक बच्चों को शिक्षित होना चाहिए। अब आएंगी लड़की में से रोशनी कुमारी जो कि अपना मत रखेंगे। रोशनी कुमारी, बाल मजदूरी अपराध है। इन्होंने कहा कि बाल मजदूरी अपराध है। बिल्कुल सही बात है, बाल मजदूरी सबसे बड़ा अपराध है। अंजलि कुमारी आएंगी, वो अपना मत रखेंगे। बाल मजदूरी पाप है। इन्होंने कहा कि बाल मजदूरी पाप है, तो आप उसके प्रति ये रहेगा। सौमती कुमारी आएंगी जो कि अपना मत रखेंगी। सौमती कुमारी, भ्रूण हत्या पाप है। इन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या पाप है। भ्रूण हत्या यानी कि जो आप बच्चा जो गर्भ में होता है, आप उसको ये सोच समझ के मार देते हैं कि वो लड़की है, तो ये बहुत गलत है। अब जो है मिंज, सोफी मिंज आएंगी और वो अपना मत रखेंगे। सोफी मिंज, इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे विद्यार्थियों ने कई बातें कही जो कि सोसाइटी को लेकर है। तो हमारे विद्यार्थियों का जो संदेश है ये आप तक पहुंचे। मेरा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो बनाने का यही मकसद है, ये बात आप तक जाए और हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक जाए। और आप जहां भी रहें कंट्रीब्यूट जरूर करें। आप सबों को यूट्यूब वीडियो देखने के लिए काफी काफी धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे ही अगले वीडियो में हम कुछ विषयों पर भी बात करेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू।